इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं। वज़ीर आज़म का अवामी राबता मुहिम में तेजी का फैसला। शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। इस्तीफा साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म को इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़। आवाम का दबाव है इसलिए खत को पब्लिक किया जाए। सियासी कमेटी का मुतालबा। आखिरी ऑप्शन इस्तीफा दो और सड़कों पर निकलो। वज़ीर आज़म को 3 माह कबल असेंबली तोड़ने का मशवरा दिया था लेकिन मेरी तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनने पर खुश आमदीद कहूँगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहते हैं उम्मीद है कि इमरान खान बतौर कायदे हिजब इख्तलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां शुरू करने का फैसला। 4 सूबाई हुकूमतों के साथ मतलूबा नक्शा जात की फराहमी के लिए फौरी राबता करने की हिदायत कर दी। PFUJ और PPA की दरख्वास्तें मंजूर। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीका कानून पर FIA का इख्तियार से तजावुज पर इंक्वायरी का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। समरी काबिना को 8 साल कीमतें बरकरार रखने से हुकूमत को 200 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। भत्ताखोर अयाज मोतीवाला के गेट घेरा मजीद तंग। ब्लैकमेलर के खिलाफ परेडी थाने में एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी गयी। कराची में सरकारी निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी गयी। रमजान में भी गिरा फरोश शहरियों से नाजायज मुनाफा कमाने में मसरूफ। इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में नाकाम। और इमरान खान के अलावा कोई वज़ीर आज़म कबूल नहीं। शोबीज शख्सियात भी मैदान में आ गई। कहा कि इमरान खान वन मैन आर्मी है जो करप्ट अफराद के खिलाफ तनहा खड़े हैं।